अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं रमज़ान की ग्रॉसरी लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं रमज़ान के लिए अपनी जो है वो ग्रॉसरी क्या क्या लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये मैं बेसन लेके आई हूँ जिसे हम जो है वो पकौड़े वगैरह बनाएंगे रमज़ान में। जैसे तो आपको पता ही है कि पकौड़े वगैरह तो बहुत ज़्यादा रमज़ान में खाए जाते हैं, तो उसके लिए मैं जो हूँ ये बेसन लेके आई हूँ रहीम स्टोर से, या आप किसी भी स्टोर से ला सकते हैं। उसके बाद ये देखेंगे, मैं स्पैगेटीज लेके आई हूँ। इससे ये हम स्पैगेटीज भी बना सकते हैं, इससे हम चूमिन बना सकते हैं। उसके अलावा मैं लेके आई हूँ ये एल्बो मैक्रोनी, ये हम मैक्रोनी बना सकते हैं रमज़ान में। अफ्तारी के टाइम हम मैक्रोनी बना सकते हैं। उसके बाद हम रमज़ान में जो है वो कस्टर्ड जेली भी बना सकते हैं और देन कस्टर्ड भी बना सकते हैं। ये हम मीठे के तौर पे जो है वो इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे हम खा सकते हैं स्वीट डिश के तौर पे। देन मैं आपको बताती हूँ, ये मैं टेंडर पॉप्स लेके आई हूँ और साथ में जो है वो मैं साबरोसो के नगेट्स लेके आई हूँ। ये हम रमज़ान में फ्राई करके खाएंगे, तो हमारी जो है वो अफ्तारी और ज़्यादा मज़ा, अफ्तारी का और ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। उसके अलावा मैं ये लेके आई हूँ चीज़, इस चीज़ की जो है ये मैं चीज़ लेके आई हूँ। ये साथ में समोसा पट्टी लेके आई हूँ मैं, ये जैसे आप देख सकते हैं समोसा पट्टी लेके आई हूँ, और ये मैं रोल पट्टी लेके आई हूँ। इसके मैं समोसे और रोल बनाऊँगी और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़, ठीक है। देन उसके बाद मैं लेके आई हूँ टैंग, ये देखिए मैं आपको पकड़ के दिखाती हूँ। उसके बाद मैं टैंग लेके आई हूँ, टैंग के साथ तो अफ्तारी का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। ये टैंग हम पीते हैं तो हमारी जो है वो एनर्जी वापस आ जाती है, और ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। साथ में जामे शीरी, जैसे कि आपको पता है कि जामे शीरी जो है वो अफ्तार की एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जामे शीरी के बगैर तो अफ्तार मुमकिन ही नहीं। तो मैं टैंग भी लेके आई हूँ, जामे शीरी भी लेके आई हूँ अफ्तारी के लिए। देन उसके बाद मैं ये सारे स्प्राइट्स लेके आई हूँ, ये चिकन गार्लिक सॉस लेके आई हूँ। देन उसके बाद मैं लेके आई हूँ टमाटो केचप, नेशनल की मेयोनीज़ एंड चिकन स्प्रेड। इससे हम जो है वो सैंडविच, मैं जो हूँ इससे सैंडविच बनाऊँगी। जैसे आपको पता है कि अंडा सैंडविच, चीज़ सैंडविच, शामी सैंडविच, कितने सैंडविच बनते हैं, तो इससे मैं शामी बनाऊँगी अफ्तार के टाइम। उसके बाद मैं ये नूडल्स भी लेके आई हूँ, ये नूडल्स भी खा सकते हैं हम अफ्तार के टाइम, मैं नूडल्स खाऊँगी बहुत मज़ा आएगा मुझे। देन उसके अलावा ये हमारे पास ये जिसे हम पापड़ कहते हैं, ये रैकेट्स, ये भी हम फ्राई करके मैं अफ्तारी में रखूँगी। देन उसके बाद मैं बिस्किट्स लेके आई हूँ, ये हम चाय के साथ खा सकते हैं। ग्लूको बिस्किट लाई हूँ जीरा प्लस, एंड देन मैं लेके आई हूँ ओरियो चॉकलेट क्रीम बिस्किट्स। जी तो आज मैं गई थी और मैं आज अपनी ये सारी जो है वो शॉपिंग करके आई हूँ रमज़ान ग्रॉसरी की। तो मैंने जैसे आपको दिखा दी कि मैं रमज़ान ग्रॉसरी की जो है वो ये शॉपिंग करके आई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि टैंग और जामे शीरी के बगैर तो हमारा रोज़ा ही अफ्तार नहीं हो सकता, इसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है हम ये कह सकते हैं। और गर्मी की शिद्दत हो, टैंग और जामे शीरी पिए तो हमें बहुत मज़ा आता है। तो जी ये मैं आपको अपनी रमज़ान की ग्रॉसरी की चीज़ें दिखा रही थी। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलें ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो रोल एंड समोसा बनाना सिखाऊंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।